हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ डॉक्टर संजय सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक और इंडियन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसको हम सभी जानते हैं एंशियंट टाइम से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होती आ रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अश्वगंधा के बारे में या विथानिया सोमनीफेरा के बारे में। तो आज मैं इसी के यूजेज और सिम्टम्स के बारे में बताऊँगी, होम्योपैथी में इसको किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, कौन से सिम्टम्स आप में प्रेजेंट हो तो आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अश्वगंधा या विथानिया सोमनीफेरा सोलानेसी फैमिली की होती है और एक श्रब होता है जो इंडिया में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका में पाया जाता है। इसके अदर नेम्स की अगर हम बात करें तो इसे इंडियन जिनसंग या फिर विंटर चेरी भी कहते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है और एंशियंट टाइम से आयुर्वेदा में यूज की जा रही है, इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए, इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, साथ में इसको एज अ एडाप्टोजन भी यूज किया जा रहा है। मीन्स ये बॉडी को हेल्प करता है स्ट्रेस मैनेज करने में। एंशियंट टाइम से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे यूज हैं। अगर हम इसके नाम की बात करें तो विथानिया सोमनीफेरा में सोमनीफेरा वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंड्यूस स्लीप। तो ये इंसोमनिया के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा अश्वगंधा नाम जो है वो संस्कृत से आया हुआ, जहाँ अश्व मीन होता है हॉर्स और गंधा मतलब स्मेल। अश्व इसलिए क्योंकि ये जो है बॉडी में स्टैमिना बढ़ाने के काम आता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ाने के काम आता है, और गंधा क्योंकि इसका जो रूट है उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। तो ये हो गया इसके नाम की बात। अब बात करते हैं कि होम्योपैथी में किन किन चीज़ों में इसको यूज किया जाता है। तो होम्योपैथी में इसको एज अ मेमोरी बूस्टर यूज करते हैं, एज अ ब्रेन टॉनिक यूज करते हैं। अगर आप में मेमोरी प्रॉब्लम है, आपको इंसोमनिया की प्रॉब्लम है या एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, मेमोरी आपकी वीक होती जा रही, तो एज अ मेमोरी टॉनिक बहुत ही इफेक्टिवली इसको यूज किया जा रहा है। दूसरा, इसको एज अ इम्यून बूस्टर यूज करते हैं, बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत लो है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, नर्व सेल्स को रिपेयर करता है, साथ में ये हमारी बॉडी के स्टैमिना को बढ़ाता है। तो अगर आपको बार बार बीमारी होती है, आप बहुत वीक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है आप में, आप ये एज अ इम्यूनिटी टॉनिक यूज कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ये एज अ हार्ट टॉनिक भी यूज किया जाता है, हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो इसकी वजह से आप जब कहीं चलते हैं तो आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, आपकी सांस फूलने लगती है, पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आप इसको ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव होता है। साथ में ये बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, तो इस तरह ये हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए और भी इफेक्टिव होता है। इसको एज अ लिवर टॉनिक भी यूज किया जाता है, अगर आपका डाइजेशन बहुत वीक है, क्योंकि आपका लिवर जो है वो कमज़ोर है, इसकी वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है, लिवर वीक है, तो आप इसको एज अ लिवर टॉनिक भी यूज कर सकते हैं। ये बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को भी कम करता है, तो जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ये कॉर्टिसोल को भी कम करता है, यानी स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, आपको आप डायबिटिक हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, लिवर भी वीक है, तो इन सारे केसेस में ले सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मेल्स और फीमेल्स के लिए स्पेशली किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो मेल्स में अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, नाइटफॉल हो जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन केसेस में बहुत इफेक्टिव होता है। साथ में ये मेल्स में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल लो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ऐसे केसेस में इसको एज अ मेल टॉनिक यूज किया जा सकता है। फीमेल्स में भी ये इनफर्टिलिटी के केसेस में बहुत ही इफेक्टिव होता है। साथ में अगर फीमेल्स है जिनको बार बार यूटीआई होता है, एक बार ठीक होता है कुछ ही टाइम बाद दोबारा हो जाता है, उनमें इम्यूनिटी लो है और इसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, तो ऐसे केस में फीमेल्स इसको यूज कर सकती हैं, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा ये मेंटल वीकनेस के साथ फिजिकल वीकनेस में भी बहुत इफेक्टिव होता है। जिन लोगों में मसल वीकनेस होती है, स्पेशली मसल मास कम होता जाता है, इसकी वजह से वो बहुत वीक हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, जरा भी उनमें मसल्स नहीं बढ़ रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, मसल मास बढ़ाना चाहते हैं,
ऐसे केसेस में आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस भी करना चाहते हैं तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फैट रिड्यूसर होता है, फैट को कम करता है और आपके मसल मास को बढ़ाता है, तो आपका बिल्ट अच्छे से बन जाएगा और आप में फैट कम हो जाएगा। इन दोनों केसेस में ही बहुत इफेक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स, अश्वगंधा के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स आप इसको दिन में 2 से 3 बार आधे कप पानी में 10-10 बूंद करके ले सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। कुछ ही टाइम में आपको इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको मल्टीपल सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको अश्वगंधा सूट करेगा या नहीं करेगा, तो आप ज़रूर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिएगा। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप एक्सेस में कोई भी मेडिसिन ले लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट आपको आ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। फ्रेंड्स, अश्वगंधा पे मेरी बताई हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा अश्वगंधा से रिलेटेड या फिर किसी और मेडिसिन या डिजीज से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगी मैं सबको आंसर कर सकूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।